हेलो जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं हूँ बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है होली का त्यौहार, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को, मेरे यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में ये होली बहुत ही खूबसूरत रंग लेकर आए, और आपका जीवन खुशियों से खिल उठे, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। और देखिए फ्रेंड्स, आज आंचल भी आई है, इसको छुट्टियाँ है होली की, 2-3 छुट्टियाँ थी, तो अभी इसने सोचा था कि मैं घर चली जाऊँगी, बट घर के लिए कोई बस नहीं मिल रही है, क्योंकि प्राइवेट बसेस सारी बंद है, सिर्फ सरकारी बसेस ही चल रही हैं। तो हमारे गांव के लिए जो जाती है बस, वो प्राइवेट बस ही जाती है, तो वो आज आई नहीं है। तो अब देखते हैं, अब शायद कैंसिल ही करना पड़ेगा जाना। और बस स्टैंड देखिए बिल्कुल खाली है अभी, और बसेस भी खड़ी हुई है, प्राइवेट तो सारी खड़ी है, सरकारी बसेस कोई कोई चल रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइवेट बसेस खड़ी हैं, और ये सरकारी बसेस भी खाली हैं, आज कोई सवारी नहीं है। ये देखिए, ये चल तो रही है लेकिन अभी बिल्कुल खाली है, तो खाली बसेस ले जाके भी सरकार को नुकसान है, तो इसलिए ये बसेस अभी यहीं खड़ी हैं। अगर सवारियाँ हो जाएगी तो ये निकल जाएगी, अगर सवारियाँ नहीं हुई, अगर खाली रही, तो फिर चलाने से क्या फ़ायदा है। और देखिए बस स्टैंड बिल्कुल खाली है, बहुत ही कम लोग जो अपने किसी मंतव्य के लिए निकले हैं वही हैं, बाकी अभी सुबह सुबह तो खाली है बस स्टैंड। और धूप लगी है बहुत ही अच्छी, मौसम है बहुत ही अच्छा। और देखिए यहाँ पे मैंने आग जला दी है, क्योंकि बहुत सारा ढेर सारा कूड़ा हो गया था, इकट्ठा निकाला था अंदर से, बच्चों ने अपनी बुक्स के रैक खाली किए, तो वहाँ से काफ़ी सारे कागज़ निकले थे, तो मैंने सोचा कि चलो यूँ फेंकने से अच्छा है कि इनको जला देते हैं। तो राख जो बन जाती है वो फिर हमारे जो ये पौधे लगाए हैं मैंने, ये इनमें डालने के काम आती है। ये देखिए, मैंने पहले भी यहाँ पे राख डाली थी और मेथी लगाई थी, अब मेथी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब इसमें दोबारा से मेथी और धनिया लगा दिया है। ये देखिए, इसमें धनिया भी लगा दिया और मेथी भी लगा दिया इसमें, दोनों में। तो इसमें मैं ऊपर से ये राख डाल दूँगी तो इनको खाद मिल जाती है। देखो फ्रेंड्स, आंचल बैठी अभी तैयार होके, और बस आ नहीं रही है, तो अभी जाना कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आंचल के पापा लड्डू गोपाल जी से होली खेल के गए हैं, फूलों वाली होली। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रही है लेडीज़ की टोली, और ये 6-7 लेडीज़ हैं, और देखिए पूरे कलर से भरी हुई, और बस सुबह से यही एक टोली निकली अभी तक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आ गए हम किचन में, और ये क्या बन रहा है आप भी देखिए, अभी तो आलू छीले जा रहे हैं, पहले आलू को बॉईल किया और फिर इनका छिलका निकाला जा रहा है, और अभी इसे ग्रेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आलू के परांठे बन रहे हैं, पर आलू के परांठे नहीं बन रहे हैं, ये मेरे पास चावल का आटा रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, और बच्चे कई दिनों से बोल रहे थे कि इसका कुछ बनाओ, बट टाइम ही नहीं लग रहा था मुझे, तो आज छुट्टी है तो बच्चों ने खुद ही सारा ये निकाल के, और ये देखिए ये चावल का आटा इसमें मिक्स किया है, और साथ में इसमें बॉईल किए हुए आलू मिक्स कर दिए हैं, और अब क्या बनेगा इसका ये कुशमिता से ही पता चलेगा, क्योंकि वही बना रही है, वो किचन में किसी को मान ही नहीं रही है कि मैं खुद बनाऊँगी जो भी बना रही हूँ। तो ये देखिए, आप देखते जाइए कि ये क्या बन रहा है। ये देखिए, ये तेल पकौड़े तलने से बचा हुआ था मेरे पास, तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और ये देखो, ये इसका हाथ ना पहले भी बहुत बार जल चुका है, तो इसलिए ये बिल्कुल आराम से डालती है।
और ये देखो ये पूरी की तरह फूल रही है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी ऐसा ही टेस्टी होगा। इसमें सिर्फ हरा धनिया, नमक और मिर्च डाला है, बाकी इसमें कुछ नहीं डाला है। और आलू और चावल का आटा मिक्स किया है। तो देखिए मैं इसको बोल रही थी कि मैं बनाती हूँ, बट ये मना कर रही थी कि मुझे खुद ही बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये है बाहर का माहौल और लोग होली का आनंद ले रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये देखिए एक टोली और, फ्रेंड्स ये आई है अभी पहली टोली और ये भी देखिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और ये गाड़ी में ही आए हैं और गाड़ी में ही वापस चले जाएंगे। तो जिस तरह की होली की टोलियां होती है उस तरह का यहाँ पे माहौल नहीं है। ये देखिए ये चार पांच लोग एक ही गाड़ी में बैठ के निकल गए।